कुशागढ़ एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में अवैध शराब परिवहन के मामले में जब्त शराब और आरोपी का खुलासा करते हुए बताया कि स्विफ्ट कार में अवैध अंग्रेजी शराब का सिलावट बड़वानी के बीच परिवहन करते समय कार को रोककर तलाशी लेने पर 14 पेटी शराब सहित कार जब्त कर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नवागत एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने जिले में आते ही अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने की प्राथमिकता की बात कही थी। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी राजेश यादव व पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब परिवहन की सूचना पर 1,57,000 कीमती 14 पेटी शराब एक स्विफ्ट कार जब्त कर आरोपी संतोष को हिरासत में लेकर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं विवेचना की जा रही है। क्या कुछ मामला? देखिए, हमें पिछले कई दिनों से सूचना आ रही थी कि कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब का परिवहन की संभावना है, की सूचना है। कल एक गुप्त जानकारी पर हमारी थाना कोतवाली की टीम ने सिलावत के रास्ते में जो एक रास्ता आता है, एक स्विफ्ट वाहन था, उसकी घेराबंदी की और जब उसकी तलाशी ली, उसे चेक किया, हमें उसमें से 14 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत करीब 1,57,000 रुपये है उसमें से मिली, उसमें जब्त हुई। इस पर से थाना कोतवाली में 34(2) एक्साइज एक्ट की धारा के तहत FIR दर्ज की गई है और इसमें जो एक आरोपी है संतोष योगी, इसको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पहले से भी एक्साइज एक्ट के कुछ अपराध उनके ऊपर दर्ज हैं, इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें हमें 14 पेटी शराब और साथ में जो वाहन था वो जब्त हुआ है हमारा, और इसमें थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में हमारे जिस टीम ने अच्छा कार्य किया है उसे हम नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे और इनको प्रेरित करेंगे कि आगे भी ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। सर, ये शराब कहाँ से कहाँ ले जाई जा रही है? ये देखिए विवेचना का विषय है, अभी पूछताछ इनकी हो रही है और इनके कथन दर्ज किए गए हैं। इसमें हम पूरा चेन डेवलप करेंगे और कहाँ से आ रही थी, इसकी डंपिंग संभवतः हमारे जिले से बाहर होनी थी कहीं, तो वो सब पूछताछ के विषय है और इसमें जैसे जैसे पर्दे खुलती जाएंगी हम उन व्यक्तियों को भी दोषी आरोपी के तौर पर लेंगे।